ये जो अरविंद केजरीवाल जी ने विधानसभा में कुछ दिनों पहले बहुत ही इनसेंसिटिव तरीके से और बहुत ही पैसाचिक तरीके से उन्होंने हंसा कश्मीरी पंडितों का, की जो दुर्दशा हुई, उनकी मौतें हुई, उनका रेप हुआ, उनके औरतों का, बच्चों तक का भी मार दिया गया, उस चीज़ को वो झुटलाते हुए वो हंस रहे थे जैसे पता नहीं ये कोई जोक है। क्या ये जोक है कि वहाँ पे तपलू जी को मार दिया गया था श्रीनगर में, नीलकंठ गंजू जी को जो चीफ जस्टिस थे जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के, मकबूल भट्ट को उन्होंने फांसी की सजा सुनाई थी इसलिए उनको भरे चौराहे में श्रीनगर में मार दिया गया था, बालकिशन गंजू जिनको छत पे वो चावल के ड्रम में छुपे हुए थे वहाँ पे उनको मार दिया गया और उन्हीं के खून से रिसा हुआ चावल उनकी वाइफ को खिलाया गया। उसके बाद नादीमार मासेकर हुआ, गिरिजा टिक्कू को मतलब गैंग रेप करके उनको जिंदा अवस्था में आरी से चीर दिया गया। क्या वो झूठ थे? क्या उन पर हंसना चाहिए उनको? अगर केजरीवाल जी सोचते हैं कि ये दिखाने के लिए, ये दिखाना गलत है इसलिए वो हंसे हैं, तो मैं बोलूँगा ये बहुत ही विकृत मानसिकता से ग्रस्त हैं वो, और भगवान उनको जल्दी इस अवस्था से उनको सुधारे उनकी हालत और वो दोबारा से स्वस्थ हो जाए। इसीलिए हम कश्मीर के कश्मीर में गुलाब बहुत फेमस है, एक गुलाब देके उनको हम गेट वेल सून ये बोलना चाहते हैं। और उन्हें कई सारे और भी बयान दिए थे, उनका कहना है कि बीजेपी ने 13 साल में कुछ भी नहीं किया कश्मीरी पंडित के लिए और उन्होंने कश्मीरी पंडित को नौकरी दी है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ किया है, पहला स्टेप तो बीजेपी ने ही लिया है जो 370 आर्टिकल हटाया है, और उसके बाद जो वो बोल रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों को उन्होंने नौकरी दी है, वो झूठ सामने आ गया है। उन्होंने बल्कि उनको नौकरी में जिनको उन कश्मीरी पंडितों को सबसे पहले टेम्पररी टीचर्स के हिसाब से किन्होंने अपॉइंट किया, 98 में दिल्ली की बीजेपी सरकार ने अपॉइंट किया, मुझे याद नहीं है उस टाइम मदन लाल खुराना थे या साहिब सिंह वर्मा थे, उन दोनों में से एक के सरकार में ये हुआ। उसके बाद तो जब वो आए 2013 से लेके वो अपोज करते रहे कि उनको परमानेंट ना किया जाए, जब हाई कोर्ट ने उनको लताड़ लगाई दो दो बार, तब वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए कि इनको परमानेंट हम नहीं करना चाहते, तब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील को खारिज कर दिया और उन्होंने बोला इनको आप परमानेंट करो, तब जाके वो मजबूर हुए उनको परमानेंट करने के लिए, और हर चैनल में जाके जो कि बिके हुए हैं उनके ऐड की खातिर, उनके खैराती चैनल है वो, उनका उनको एकदम स्वागत करके उनको झूठ बोलने का मौका दे रहे हैं, उनको गलत तरीके से क्लैरिफाई करने का उनको वो दे रहे हैं। और उनका कहना है कि फिल्म जो है वो झूठी है, सिर्फ पैसे कमाने के लिए ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, एक कमर्शियल जो फिल्म होती है, कोई भी फिल्म, वो तो पैसा कमाने के लिए होती है। अब मैं आपको बताता हूँ, जूस का होलोकास्ट हुआ, ठीक है, उनके ऊपर फिल्म बनी, तो क्या स्पिलबर्ग ने जो शिंडर्स लिस्ट में दिखाया, क्या वो झूठ था? उस फिल्म ने पैसा कमाया ना। द पियानिस्ट बोल के एक फिल्म थी, वो भी एक जू डायरेक्टर की फिल्म थी, पियानिस्ट, आप ऑस्कर विनिंग फिल्म है, तो क्या वो कमर्शियल वेंचर था और वो गलत था? क्या उसमें झूठ दिखाया गया था? न्यूरेम्बर्ग बोल के एक फिल्म है, जू होलोकॉस्ट पे तो इतने फिल्म कई सारी सच्ची घटनाओं में और सारी की सारी कमर्शियल वेंचर्स हैं जो मैं ये बोल रहा हूँ, तो उसमें तो कोई हर्ज नहीं है। अगर विवेक अग्निहोत्री इस फिल्म से पैसा कमा के आगे और ऐसे फिल्में बनाए जो कि लोगों के दुख दर्द का जो सच छुपाया गया था हमेशा के लिए, वो अगर सामने आए, ये तो अच्छी बात है, ये तो अलाउ करना चाहिए, ये तो फुली डेमोक्रेसी है। आपको क्या लगता है क्यों वो दिल्ली में टैक्स फ्री नहीं कर रहे, जबकि केजरीवाल ने कई सारी जो मूवी शायद से वो कमर्शियल भी नहीं है, सच्ची घटना पे भी आधारित नहीं है, उसको टैक्स फ्री किया था? तो इसलिए देखिए, यहाँ पे राजनीति है क्यों वो टैक्स फ्री नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया तो ये देखा जाएगा कि केजरीवाल जी इस फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं या इस फिल्म के कंटेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका जो मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स है उसको धक्का लगेगा, मुसलमान शायद उनसे अपसेट हो जाएंगे। मेरे ख्याल से मुसलमानों को अपसेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फिल्म मुसलमानों के अगेंस्ट नहीं है जो कि वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो जो विवेक अग्निहोत्री ने दिखाया और हमने जो देख के अप्रिशिएट किया है, हम सिर्फ सच देख रहे थे। वहाँ पे कश्मीरी जो मुस्लिम्स थे, जो मिलिटेंट्स थे, इंसिडेंटली वो मुस्लिम्स थे, तो उन्होंने उनको मारा है। इस फिल्म में तो एक भी कोई डायलॉग ऐसा नहीं है कि जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, और किसी ने ये फिल्म देख के किसी ने ये नहीं बोला कि मुसलमान बहुत ख़राब है इनको मारो, ऐसा कहना, क्योंकि वो चाहते हैं कि दिल्ली के मुसलमान अपसेट ना हो जाए, तो उनको उन्होंने ये बोल के एक ठंडा रखा। आगे दो चुनाव आ रहे हैं 2022 के एंड की तरफ, जो कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश है, उनके जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनको पैम्पर करने के लिए, उनको अपीस करने के लिए वो ये सब चीज़। आपको लग रहा है केजरीवाल जी माफ़ी मांगेंगे? नहीं, केजरीवाल जी कभी माफ़ी नहीं मांगेंगे।
केजरीवाल जी बहुत भीट किस्म के और नीच किस्म के इंसान है, वो कभी माफ़ी नहीं मांगेंगे। तो अगर वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो जो ये प्रदर्शन हो रहा है, क्या ये प्रदर्शन होता रहेगा? हो भी सकता है, हम कोशिश करते रहेंगे। लोकतंत्र में तो यही है कि आप कोई भी, अगर कोई चीज़ गलत हुआ आपको लगता है उसकी अगेंस्ट में आप बोलने का आपको हक है, तो वो अधिकार का हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। हम जब तक वो करेंगे, करते रहेंगे जब तक वो माफ़ी नहीं मांगते। अगर मांग लेते तो अच्छी बात है। तो ये क्या ये शांतिपूर्ण ही प्रदर्शन होता रहेगा या फिर कुछ और भी? क्या शांतिपूर्ण प्रदर्शन होता रहेगा? हम सिविल सोसाइटी के लोग हैं, नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं, फैमिली वाले लोग हैं, हम क्यों तोड़ फोड़ करेंगे? हम एंटी सोशल एलिमेंट्स नहीं है। तो जो केजरीवाल जी ने एक और बयान दिया था कि उन्होंने जो टीचर्स हैं उनको पक्का किया है, कश्मीरी पंडित वालों को, तो क्या कहना चाहिए? वो झूठ है। जो कश्मीरी पंडित टीचर्स के को पक्का करने का जो उन्होंने किया है वो सरासर झूठ है। बल्कि उनको पक्का करने के विरुद्ध खड़े थे वो। उन्होंने हाई कोर्ट में जाके वो किया था, अभी आ रहा हूँ, हाई कोर्ट में जाके उन्होंने बोला था कि इनको पक्का ना किया जाए। हाई कोर्ट में पहले सिंगल बेंच हाई कोर्ट के जज ने बोला नहीं, इनको पक्का करना चाहिए। वो फिर दोबारा उन्होंने हाई कोर्ट में अपील किया टू बेंच जज को 2015 में, उन्होंने फिर बोला कि नहीं, इनको पक्का करना चाहिए। तब वो सुप्रीम कोर्ट चले गए 2018 में कि ये हाई कोर्ट गलत बोल रहा है, हमको ज़बरदस्ती बोल रहा है कि इनको पक्का करो। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील खारिज करके फेंक दी कि इनको पक्का करो। हाई कोर्ट ने इनकी सारी बातों में राजनीति है, ये सारी राजनीति है, और उनकी राजनीति तो झूठ के ऊपर बेस्ड है, सरासर झूठ बोल रहे हैं वो। और ये तो प्रूव हो चुका है, ये तो फैक्ट है, ये तो कोई भी RTI करके पता कर सकता है, कोई भी हाई कोर्ट में जाके पता कर सकता है। ठीक है, कोई जाके प्लीज अरविंद केजरीवाल जी को ये दे और बोले कि कश्मीरी हिंदू समाज आपके लिए फूल लाया है और ये नोट्स लाया, आप जल्दी स्वस्थ हो जाइए हमारे जेनोसाइड का। जिस तरह से आपने खुल्लम खुल्ला सब लोगों ने जो हमारा मजाक उड़ाया, बस उसके आपके माध्यम से हम ये चाहते हैं कि आप उन तक के फूल और ये नोट्स पहुँचा दें। आप बताना चाहेंगी कि केजरीवाल के माफ़ी मांगने से क्या कुछ भरपाई होगी? देखिए, भरपाई तो क्या ही होगी, उन्होंने हमारे समाज को बहुत आहत किया है और जो हमारे इन जैसे विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड है उनकी आत्माएं आज तड़प रही होंगी कि हमारे नेता सिर्फ अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए हमारे जेनोसाइड को नकार रहे हैं। तो भरपाई तो नहीं हो सकती, बल्कि एक अच्छी शुरुआत ज़रूर हो सकती है हमारे जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज करने की। और आपके माध्यम से हम केजरीवाल जी के लिए फूल और नोट्स लाए हैं कि आप जल्दी स्वस्थ हो जाइए। आप बताना चाहेंगे नोट्स में क्या लिखा हुआ है? जी, आप जल्दी स्वस्थ हो जाइए, प्लीज़ गेट वेल सून केजरीवाल जी। और आपको लगता है कि वो आपसे माफ़ी मांगेंगे? जी, वो क्या करते वो तो हमें नहीं पता, बट हमारी एक निरंतर कोशिश रहेगी कि हम उन तक अपने कश्मीरी हिंदू समाज का मैसेज पहुंचा सकें। और आप बताना चाहेंगे कि कश्मीरी जो मूवी है उसमें क्या कुछ दिखाया गया है जो जिनका केजरीवाल जी ने मजाक उड़ाया? देखिए, आपने अगर कश्मीर फाइल्स देखी है तो आपको पता होगा उसमें क्या दिखाया गया, और क्या दिखाया गया वो तो जो वहाँ त्रासदी उसका सिर्फ 10% है, उससे हमारी जो कहानियाँ बहुत कहीं ज़्यादा दर्दनाक हैं। और इन जैसे बच्चों का मजाक, गिरजा तिक्कू जैसी जो हमारी बहनें हैं उनका मजाक, ये हम इसके विरोध में आज यहाँ प्रदर्शन करने आए। और आज अगर कुछ सुनवाई नहीं होती है तो क्या ये प्रदर्शन कल भी होगा? देखिए, हमारा ये था, एज ए सिविल सोसाइटी हम यहाँ अपना विरोध दर्ज कराने आए थे। बात ये है कि हम यहाँ कोई रकस क्रिएट नहीं करने आए हैं, सिर्फ अपनी बात है जो केजरीवाल जी तक और दिल्ली के जो सदन के बाकी MLAs हैं उन तक पहुँचाने आए हैं। और ये हमारे हिसाब से बहुत पीसफुल शांतिप्रिय तरीका है और हम यही अपना कर यहां उन तक अपनी बात पहुँचाने आए। केजरीवाल जी ने एक और बयान दिया था कि झूठी है, सिर्फ पैसे कमाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। देखिए, पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन कम से कम इन जैसों का जेनोसाइड तो मत नकारिए। हम उसी बात के विरोध में आज हम यहाँ आए हैं, विरोध कर प्रदर्शन दर्ज कराने आए हैं, और ये फूल और ये जो नोट्स हैं उनको देने आए हैं।